पिछले कुछ वक्त से आपराधिक घटनाओं को सोशल मीडिया पर झूठा सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज ने ऐसे कई मामलों की छानबीन की और पाया कि इन्हें शेयर करते हुए जो सांप्रदायिक दावे किए गए हैं वो सरासर गलत है। इनमें से ज्यादातर मामलों में लोग मुस्लिम समुदाय को आपराधिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज के इस वीडियो में ऑल्ट न्यूज आपको ऐसे ही कुछ मामलों की असलियत बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई करते हैं जितने मेरी बड़ी है। ये वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स इस लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। कैप्शन के मुताबिक जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की की गला काटकर हत्या कर दी और साथ में सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं इस यूजर ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए ये न्यूज़पेपर क्लिप भी शेयर की जिसमें सलमान नाम को हाईलाइट किया गया है। इस क्लिप के मुताबिक ये लड़की अपने प्रेमी के साथ भागकर जबलपुर आई थी जहां उसे लगा कि वो देह व्यापार करने वाले लोगों के झांसे में फंस गई है और इन लोगों को सलमान पेमेंट कर रहा है। इस खबर में ये बात स्पष्ट नहीं है कि सलमान लड़की के प्रेमी का नाम है या सेक्स रैकेट गिरोह के मुखिया का। हालांकि जांच करने पर ऑल्ट न्यूज ने कुछ और ही मामला पाया। इस घटना को कई मीडिया संगठनों ने कवर किया था। खबर के मुताबिक इस शख्स ने 6 नवंबर को रिसोर्ट में रूम बुक करवाया था और उसके दूसरे दिन महिला उससे मिलने आई थी। उसी दिन यानी 7 नवंबर को ये शख्स रिसोर्ट से चला गया था और 8 नवंबर को होटल के कर्मचारियों ने पीड़िता को खून से लथपथ हालत में पाया था। आगे रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आरोपी ने 11 नवंबर को लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड किया था। ऑल्ट न्यूज से हुई बातचीत में तिलवारा पुलिस थाने के नगर निरीक्षक एसएल जरिया ने इस मामले में सेक्स रैकेट के एंगल से इनकार किया। आरोपी के राजस्थान से गिरफ्तार होने की बात एनडीटीवी ने रिपोर्ट की थी। यानी इस घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, ये हत्या आपसी विवाद के कारण की गई थी। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इसे शेयर करते हुए सुदर्शन न्यूज से जुड़े पत्रकार सागर कुमार ने दावा किया कि जिहादियों ने ट्रेन में एक हिंदू भाई को लहूलुहान किया। वहीं दैनिक भास्कर के पत्रकार राहुल शर्मा ने इस वीडियो में दिख रहे मुस्लिम व्यक्तियों के स्क्रीनशॉट शेयर कर ऐसा ही दावा किया। यूपी बीजेपी यूथ विंग की सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने भी ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए ट्रेन संख्या 12804 में हिंदू यात्री को पीटे जाने का दावा किया। इस वीडियो की असलियत बताने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस डिब्बे के अंदर S4 के अंदर दोनों साइड में तकरीबन 5-5 मुस्लिम भाई है। वो दोनों साइड में सवेरे 5:15 बजे, दोपहर को 1:30 बजे और शाम को 5:15 बजे ये रास्ते में बिल्कुल रास्ता रोक के और नमाज पढ़ रहे। और जब मेरे को पेशाब आया, दोपहर को भी आया था, मैं उस समय रोक दिया, फिर भी मेरे को आया था, मैं जाने दो बोला। अब भी मेरे को जब पेशाब आ गया, इन्होंने बोला नहीं जाना इधर से, हमारा नमाज चल रहा है, जाना नहीं। तब मैं बोला भाई मैं जाऊंगा, छोड़ा नहीं मेरे को। तब मैंने क्या किया, उनका नमाज जैसा हो गया मैं उधर ही बैठ गया और मैं अपना भगवान का नाम लेते रह गया। कोई भी बंदा आने आ जाओ वही बोला, इनका नमाज जब चलता है तुम लोगों को रोकने का हिम्मत तो नहीं होता है। और मैं इधर मेरा भी अपना नमाज शुरू कर रहा हूँ, मेरा वो मैं शुरू कर दिया। मैं तकरीबन 2-3 मिनट किया, उसके बीच में जो पेंट्री कार के जो 3-4 लोग है उन्होंने आके मेरा इस प्रकार हालत बना दिया और ये मेरे को मार दिया। और उस समय ये मुस्लिम लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे और उन्होंने उल्टा मेरे को बोल रहे रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मैं बोला क्यों भाई रास्ता छोड़ना। गौर करें कि इस वीडियो में ये शख्स हमले के लिए पेंट्री वालों को जिम्मेदार बताता है, न कि मुस्लिम व्यक्तियों को। खबर के मुताबिक रिटायर्ड सैनिक विलास नाइक की 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के बैतूल में पेंट्री कार के कर्मचारियों के साथ हाथापाई हो गई थी। टाइम्स नाउ से बातचीत करते हुए ट्रेन में सफर कर रहे यात्री मुजकिर अहमद ने इस घटना के संबंध में ये बताया। हो गया था, कहां से कहां जा रहे थे? हम निजामुद्दीन से गुंटूर जा रहे थे, विजयवाड़ा। हम बीच में हमारा नमाज का वक्त टाइम हो गया था, हम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते वो जानबूझ के आए खड़े हो गए कि हम पेशाब को जाना है। हमने कहा कि 2 मिनट हमारी नमाज हो जाएगी फिर चले आना आप, नहीं तो ज़रूरत है थोड़ा उधर खाली है उधर से चले जाए। हमने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हमें इधर से ही जाना है। हमें
वहाँ इधर ही जाएंगे फिर आपको। फिर हमने बात चल ही रही थी, हमारी नमाज ख़त्म हो गई, नमाज ख़त्म हो गई, हम बाजू में आके बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने कहा कि अब आपने आपके तो किसी ने नहीं हिलाया नमाज़ पढ़ते वक्त, अब हम पूजा करेंगे दिन भर यहीं पर, अब हमें कोई ना हिलाता है देखेंगे हम। तो हमने कुछ नहीं कहा, हम बाजू में बैठ गए। वो दोनों पाँव ऐसे सीट में रख के बैठ गया, और कैटरिंग वाले आ रहे थे, उनको सप्लाई करने का था ज़रूरी। एक दो साथी आए, उनको कहा कि वापस चले, आप नहीं जाना, हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। वो वापस दो तीन आदमी तो वापस चले गए। मेरे ऐसे ही 20-30 मिनट गुजर गए। गुजरने के बाद कैटरिंग वाले सर जी आए थे, उन्होंने वो बहुत लफड़ा कर रहा था इसलिए इन्हें उन्होंने पीटा था, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो किन किन ने पीटा था? कैटरिंग वाले थे हम दो तीन आदमी। आप लोग नहीं पीटा? नहीं, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया था, हम तो साइड में नमाज पढ़े, हम साइड में बैठे थे हम बस। वहीं मध्य प्रदेश के पत्रकार काशिफ काकवी ने पेंट्री कार मैनेजर हरवेश श्रीवास का ये बयान शेयर किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवेश श्रीवास है। हरवेश जी, ये आप पेंट्री कार मैनेजर हैं? जी सर। क्या हुआ स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में? स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में सर, जो नमाज वगैरह पढ़ रहे थे तो पहले तो उनको ही परेशान कर रहा था, जो व्यक्ति है जिससे अपना थोड़ा नोकझोंक हुआ, तो वो फिर हमारे स्टाफ को भी रोक रहा था, नहीं किसी को जाने देंगे। और तो हमारा स्टाफ आधे घंटे से वहाँ पर खड़ा था, अगर कोई भी लड़का जाने की कोशिश करता तो वो उसको धक्का मार देता, तो वो मेरे पास आए, तो मैं गया उसके पास, मैंने सर ऐसा क्यों कर रहे, तो इतने में ही उसने मेरे देखो यहाँ पर वो किया और शर्ट से लटक गया। तो इतने में हमारे लड़कों ने एक ने मार दिया, थोड़ा सा ब्लड निकलने लगा, तो कहने लगा मैं सबको अभी देखता हूँ, मुझे जानते नहीं हैं, तो अपने आप को ही मारने लगा, सीटों पर भी दीवारों में जैसे कि होता है सर पटकने लगा। और तो और राजकीय रेलवे पुलिस GRP के अधिकारी नरोत्तम सिंह ठाकुर ने पूरे मामले को लेकर ये कहा। सर क्या मामला हुआ है पूरा ये स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में? पेंट्री कार वालों और रिटायर फौजी के बीच में झगड़ा हो गया। फौजी को नाक में चोट लग गई थी, खून आ गया था, जिसका मेडिकल कराने भेजा था, तो वो भर्ती हो गए हैं, और हम जाके FIR लेते हैं जी पेंट्री कार वालों के विरुद्ध। क्या कारण सामने आया? सामने निकलने पे से विवाद हुआ है, कोच से आगे पीछे जाने से, पेंट्री कार के वेंडरों को उसने फौजी ने शायद रोक दिया है, वो बता रहा है हमें रोक दिया था, हमें निकलने नहीं दे रहे थे, इस पास से विवाद हुआ है। कुछ मुस्लिम वो भी उतारा, मुस्लिम तो वो साइड में नमाज पढ़ रहे थे, उनका और इसका विवाद नहीं है। इस तरह ये मामला भी एक रिटायर्ड सैनिक विलास नाइक और पेंट्री कार के कर्मचारियों के बीच हुए विवाद का है, जिसे सोशल मीडिया पर सुदर्शन न्यूज और दैनिक भास्कर के पत्रकारों ने झूठा सांप्रदायिक एंगल देकर शेयर किया। अब आखिर में बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि भारत के केरल राज्य में एक हिंदू शख्स ने छोटी मुस्लिम लड़की की बेरहमी से पिटाई की। ये CCTV फुटेज ज्यादातर दूसरे देश के यूजर्स इसी तरह के दावे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो क्या वाकई में ये वीडियो केरल में एक हिंदू शख्स द्वारा मुस्लिम लड़की की पिटाई का है? CCTV फुटेज में कासरगोड केरल लिखा है। केरल की इस घटना को कई भारतीय मीडिया संगठनों ने रिपोर्ट किया था। खबर के मुताबिक वीडियो में दिख रहा शख्स अबू बकर सिद्दीकी है, जिसे बाद में केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ऑल्ट न्यूज ने कासरगोड के मंजेश्वर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संतोष कुमार से बात की। उन्होंने हमें बताया कि ये घटना 17 नवंबर को हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया था। वहीं आरोपी पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने लड़की द्वारा उकसाने पर उसकी पिटाई करने की बात बताई है, लेकिन इस बारे में पुलिस श्योर नहीं है। कुल मिलाकर तुर्की और सऊदी अरब के यूजर्स ने केरल की इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए झूठा दावा किया कि एक हिंदू व्यक्ति ने 9 साल की मुस्लिम लड़की की बेरहमी से पिटाई की। तो जैसा कि आपने देखा, सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग अलग घटनाओं को सांप्रदायिक एंगल देकर शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग अपराधों की इन वारदातों में गलत तरीके से मुस्लिम लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स मामलों में आरोपियों को हिंदू बता रहे हैं।